गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी का सीन ऐसा है, हम लोग ने बनाया है चिकन तंदूर। तो आज के व्लॉग में मैं आपको उसकी रेसिपी बताने वाला हूँ, वो कैसा बनता है, और आज का व्लॉग मेरा जरूर देखना। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग ये देख सकते हैं, मेरा दादा इसमें चिकन के लेग पीस सब डाल दिया है। अभी इसमें बटर भी लगा है, सो बटर पेपर पे। अभी ये जो मशीन है तंदूरी बनाने वाली जो मशीन है, वो इसके अंदर डाल दिया है। अभी इसको 10-15 मिनट बेक करने को देने का, फिर वो बेक हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने ये पहले डाल दिया, अभी ये पक रहा है, इसमें से स्टीम भी निकाल रहा है। तो तब तक हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाला है। तो सुबह हम लोग ने 10 बजे ये चिकन लाया फ्रेश, उसमें धोया उसको, उसमें हल्दी नींबू सब डाला, और 7-8 घंटे उसे मैरिनेट किया, मतलब फ्रीज में रख दिया है। तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। और इसके अंदर हम लोग ने डाला है नमक, डाला है हल्दी, डाला है तंदूर मसाला, डाला है नींबू, डाला है दही, डाला है अदरक और लहसुन की पेस्ट डाली है, और इससे हम लोग को मैरिनेट करके ऐसा हो चुका है। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग ये देख सकते हैं, ये अभी बाहर आ चुका है, और कितना ये खाने को, इतना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी हो गया ना, आप पूछ भी देख भी नहीं सकते। और मेरे दादा ने निकाल दिया, ये देखो कुछ ये ऐसा दिख रहा है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, अभी ये मेरा दादा पलटी मार रहा है, और फिर हम लोग 5 मिनट फिर इसमें इस मशीन में डालेंगे, फिर हम लोग डालेंगे। और यहाँ पे मेरा दादा पलटी मार रहा है सब। और मेरे दादा ने सब पलट दिया है, अभी इसको 5 मिनट फिर से डालते हैं। और मेरे दादा ने इसके अंदर डाल दिया है। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो तंदूर है वो रेडी होके बाहर आ चुका है। तो अभी ये इसको 5 मिनट ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है, हाथ लगा तो हाथ उंगली लाल हो सकती है, इसलिए इसको 5 मिनट ऐसे ही रखते हैं, फिर देखते हैं इसका स्वाद। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हो, ये रेडी हो चुका है, और ये ज़रा ठंडा भी हुआ है, और ये देखो ये कितना क्रिस्पी हुआ है, और अंदर से काफ़ी ज़्यादा पक भी चुका है। तो इसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आ रही है। तो ये वाली तंदूर की रेसिपी है, वो आप ज़रूर अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। सो होप को आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।